दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार अहले सुबह संदीप अपनी पत्नी दीप माला के साथ ससुराल जा रहा था। जाने के क्रम में सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। अगली खबर, दरभंगा के लोगों को मिलेगी सीएनजी सिटी बस सेवा। दरभंगा आने के लिए पटना में खड़ी है 5 बसें, प्रशासनिक अनुमति का है इंतजार। राजधानी पटना की तरह दरभंगा में भी बिहार राज्य परिवहन निगम की ओर से सीएनजी सिटी बस सेवा परिचालन शीघ्र होने की उम्मीद है। इसके लिए परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने अनुमति के लिए पत्राचार भी किया है। पटना में दरभंगा के लिए चलने वाली 5 बसें इंतजार कर रही है। बस नगर आयुक्त से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अगर सिटी बस सेवा शुरू हो जाती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगली खबर, फरक्का बराज में जल्द शुरू होगा फिश पास। हिलसा जैसी विलुप्त मछलियां फिर मिलेंगी। गंगा में विलुप्त हो चुकी हिलसा मछली एक बार फिर से दिखेगी। फरक्का बराज में फिश पास फिर से शुरू हो रहा है। बराज के 2 गेटों का इसके लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा विभिन्न वजहों से गंगा से गायब हो रही रोहू, कतला, कालबासु, मृगल जैसी मछलियों की संख्या बढ़ाने का काम भी जारी है। पिछले 77 वर्षों से गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र पर काम कर रहे केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर की टीम से रिसर्च पर गौर करें तो 1822 में गंगा में 266 प्रकार की मछलियां थीं, लेकिन मच्छरदानी जाल से बेंता शिकार बेलगाम गंदगी से 68 प्रजातियां गंगा से विलुप्त हो गई। अगली खबर, पटना में मेस कर्मियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कर रहे हैं मांग। दानापुर में 6 सूत्री मांगों और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आह्वान पर बिहार प्रदेश एमईएस मजदूर संघ के बैनर तले शनिवार को एमईएस मुख्य गेट पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष सुग्रीव प्रसाद, महामंत्री मनोज कुमार सिंह, संगठन मंत्री राजेश कुमार, शाख अध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। अगली खबर, रिहाई के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे आनंद मोहन, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश को पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जेल से रिहाई के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा के साथ साथ विपक्षी एकता की बैठक और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंधभक्ति जैसे सवाल और हिंदू मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश को लेकर शायराना अंदाज में भी उन्होंने जवाब दिया। आनंद मोहन ने मणिपुर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमको इससे सबक लेना चाहिए, अपने देश को पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अगली खबर, गोपालगंज में किसान सलाहकारों का कृषि कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन। कृषि कार्यालय के समक्ष किसान सलाहकारों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। इस दौरान कृषि सलाहकारों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विभाग से निर्गत स्पष्टीकरण के प्रतियों को जलाकर विरोध दर्ज कराया। कृषि सलाहकार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि 6 जून से हमारे प्रदेश भर के सभी किसान सलाहकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारा मांग है कि हमें जनसेवा पद पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि 13 साल हो गया है सेवा देते हुए, लेकिन 13 साल में केवल 13,000 वेतन दिया गया है। अगली खबर, नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बिहार कांग्रेस की दो टूक। कहा, हमारी मांग स्वाभाविक। विपक्षी एकता की बैठक के बाद अब बिहार के सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग स्वाभाविक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से बात कर चुके हैं। हम किसी शर्त पर सियासत नहीं करते, मगर जो स्वाभाविक मांग है उसे रखना गलत बात नहीं है। अगली खबर, जोरदार धमाके से दैला भागलपुर, एक की हुई मौत, 3 घायल, इलाके में दहशत। जिले में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट से 2 बच्चे घायल हो गए थे। इसकी गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि शनिवार की शाम दूसरी ब्लास्ट की घटना हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि बम ब्लास्ट की घटना हुई है, तो अन्य लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुई है। यह मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बबरगंज थाना क्षेत्र में हुसैनाबाद मस्जिद के पास कसाब मोहल्ला में यह घटना हुई है। अगली खबर, बिहार में 2 से अधिक शस्त्र रखने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। अब पटना जिले में 2 से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि जिले में 3 से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वाले किसी भी सूरत में अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दें। अगर हथियार मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल पटना के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 3 या उससे अधिक शस्त्र रखने वाले को 10 जुलाई तक DM न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है।
अगली खबर सुशील मोदी का विपक्षी नेताओं की मीटिंग पर तंज, दिल से दिल ना मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन बनने के बाद राज्य में 3 उपचुनाव हुए। गोपालगंज कुंडनी में भाजपा की जीत हुई, मोकामा में पहली बार भाजपा चुनाव लड़ी, 64,000 वोट लाई। सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन धीरे धीरे बिहार में टूट रहा है, पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर आरसीपी सिंह, अब जीतन राम मांझी अलग हो गए हैं। पिछले 10 माह में महागठबंधन में ना तो कोई बड़ा नेता और ना ही कोई अन्य दल जुड़ा है। सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष की बैठक में जो 15 दल शामिल हुए उसमें राजद, पीडीपी, माले 3 दल ऐसे थे जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। अगली खबर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली, विभिन्न स्तर के 4568 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में राज्य के अस्पतालों में विभिन्न स्तर के रिक्त 4568 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें कुछ नियुक्तियां बिहार तकनीकी चयन आयोग से और कुछ नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। विभाग की कोशिश है कि आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की अनुशंसा जल्द प्राप्त हो जाए, अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेने का टारगेट है। अगली खबर, बिहार का सरकारी स्कूल दिखेगा चकाचक, अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकेंगे प्राचार्य। बिहार के सरकारी स्कूल की छोटी छोटी जरूरतें कोष में पैसा रहने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पैसा खर्च करने को लेकर नियमावली में बदलाव किया है। अब सभी प्राचार्यों को साल में 2.5 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। 5 लाख या उससे अधिक विद्यालय प्रबंधन समिति खर्च कर सकेंगे। इस पैसे से सरकारी स्कूल का रंग रोगन, रखरखाव, शौचालय और पेयजल की समस्या दूर हो सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर उन्हें सरकारी स्कूल के कोष में पैसे होने के बावजूद खर्च नहीं हो पाने की समस्या को दूर करने संबंधी निर्देश भेजे हैं। अगली खबर, आनंद मोहन ने दरभंगा से राहुल गांधी को दिए खास सलाह। मेरा परिवार समाजवादी व गांधी की विचारधारा को मानने वाला है। मेरा आदर्श जेपी है। मैंने राजनीति का ककहरा उन्हीं से सीखा है जिसमें जात पात का कोई स्थान नहीं है। हालांकि आज जो हो रहा है वो चिंतनीय है। धर्म और जात के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है। उक्त बातें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कही। अगली खबर, नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी के साले के ठिकाने पर मिला कैश का अंबार, फर्जी कागजातों से अवैध कमाई का बड़ा खुलासा। बिहार के नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले कारू सिंह के ठिकाने पर शनिवार को तीसरे दिन आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है। एजेंसियों का कहना है कि कारू सिंह ने फर्जी कागजात बनाकर करोड़ों रुपए कमाए। बता दें कि अजय सिंह उर्फ कारू सिंह सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के भी खास माने जाते हैं। अपनी ऊंची रसूख का इस्तेमाल कर कारू सिंह कई कारोबार कर रहे हैं जिनमें उन्हें टैक्स हेराफेरी अनुचित लाभ के लिए बोगस दस्तावेज का सहारा लिया। अगली खबर, विपक्षी दलों की बैठक में नहीं मिला न्योता तो भड़क गई ओबीसी की पार्टी। विपक्षी एकता की बैठक के बाद बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर उफान पर है। पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी के बीच ओबीसी की पार्टी AIMIM ने भी एंट्री मार दी है। बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने विपक्षी एकता की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और विपक्ष पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अख्तरुल इमाम ने कहा कि देश में अभी तानाशाही चल रही है, लिहाजा ऐसे माहौल के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। अगली खबर, राहुल ने नीतीश से पूछा कि कब बना रहे हैं मंत्री। मुख्यमंत्री ने पहले लालू की तरफ देखा फिर कहा कै गो बना दें। पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुए 2 दिन हो गए हैं लेकिन उसकी चर्चा बनी हुई है। अब एक वीडियो सामने आया है जिस पर बिहार की राजनीति में खूब बातें हो रही है। इस वीडियो को लेकर भाजपा को तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। इस वीडियो में राज्य सुप्रीमो लालू यादव, सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिख रहे हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार से पूछते हैं कि मंत्री कब बनाइएगा। राहुल गांधी के सवाल पर नीतीश कुमार पहले तो लालू की ओर देखते हैं फिर कहते हैं कैगो बना दे। नीतीश के सवाल पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह तुरंत बोलते हैं दो बनाना है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो विपक्षी एकता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की है। इसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर नीतीश कुमार से पूछते हैं कि मंत्री कब बना रहे हैं।